जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने अपनी एक ट्वीट करी है जिस ट्वीट को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। उन्होंने बोला है कि राम और कृष्ण काल्पनिक हैं, आपके दिमाग की कल्पना है, वो रियल नहीं है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या है ये बखेड़ा, क्या है इस पे स्टैंड डिफरेंट लोगों का, इन सबको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे अब हम। तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो शुरुआत करते हैं अब उस विवादास्पद ट्वीट से। क्या थी वो ट्वीट? आम आदमी पार्टी के एमएलए, उन्होंने ये ट्वीट करी है राजेंद्र पाल गौतम ने। अगर ये बात प्रमाणित है कि राम और कृष्ण तुम्हारे पूर्वज हैं तो इतिहास में इनको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? पूर्वजों का कोई इतिहास होता है जबकि इनका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है। ये पौराणिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक नहीं, जबकि पेरियार जी का दृष्टिकोण प्रामाणिकता और तार्किकता के आधार पर था। इसके साथ इन्होंने हैशटैग लगाया बैन ईवीएम। क्यों हो रहा है ये सब? अब अगर आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी जो डिज़ाइंस थी ये किस तरह से थी। तो शुरुआत इसीलिए लेफ्ट के जो वामपंथी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने शुरुआत से ही भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको हमेशा माइथोलॉजी पौराणिक कथाएं वाली कैटेगरी में रखा। इसी वजह से रखा था कि आगे चलकर हमको वो हमारा जो इतिहास है उसको वो डिनाई कर सकें। तो यही उनका मकसद था और अब उसमें वो थोड़े थोड़े कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो पूरी जो स्कीम है ना, ये सिर्फ एक किसी एक एमएलए की नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें एकेडमिक्स हैं, जिसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। तो एक के बाद एक स्टेप्स चलते रहते हैं। शुरुआत करते हैं जो इतिहासकार थे उन्होंने शुरुआत करी, तो उन्होंने यहाँ से करा कि माइथोलॉजी है, भारत का कोई जो प्राचीन इतिहास है वो है ही नहीं, राम कृष्ण सब पौराणिक कथाएँ हैं, माइथोलॉजी है, यहाँ से शुरुआत करा। उसके बाद अशोका से लेकर जब तक मुगल नहीं आए तब तक का पूरा जो 1100-1200 साल की जो हिस्ट्री है उसको भी इन्होंने एक तरह से गुल कर दिया। और ये जब शुरुआत करते हैं तो ये करते हैं शुरुआत बस बाबर से, बाबर के बाद जो मुगल काल है उसके बारे में भर भर के किताबें पढ़ाते हैं, उसके बाद अंग्रेजों पे आ जाते हैं। बट ये कोई नहीं बताने की कोशिश करता है कि जब मुगल आए थे उनके पहले भी भारत था, एक सभ्यता थी, एक बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करती हुई एक सिविलाइजेशन थी जो उस समय पूरे विश्व भर में सर्वप्रथम स्थान पे आती थी। जीडीपी की बात करें तो भी कहते थे उस समय भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन हमारे इतिहासकार जो वामपंथी इतिहासकार हैं, रोमिला थापर वगैरह, तो इन लोगों की जो डिज़ाइन थी वो इस तरह से थी कि भारतीय लोग अपने इतिहास को भूल जाएं और शुरुआत करते हैं मुगल से हर एक चीज़। मतलब बिरयानी है तो वो भी मुगल। भैया रामायण के अंदर भी राइस, मीट और स्पाइसेस से बनी हुई जो डिशेस थी वो था मुगल। मतलब जो लोग मंगोलिया से आए हैं, मंगोलिया में चावल उगता ही नहीं था उस समय, वहाँ पे बिरयानी कहाँ से आ गई? तो आज ये जो सारी जो बकवास जो चल रही है कि बिरयानी भी मुगल लाए थे या सारी चीज़ें मुगल लाए थे, ये सब सारी की सारी चीज़ें फ्रॉड हैं और ये सब एक पर्टिकुलर एक स्कीम का हिस्सा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अब आम आदमी पार्टी, जिस पे 2011-2012 के समय हम जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग सबने सपोर्ट किया था, अब उनकी भी असलियत खुल रही है कि वो कितने एंटी हिंदू होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर दो पर आते हैं, लेटेस्ट स्टैंड। राजेंद्र पाल गौतम जी आपके जो विधायक हैं अब वो कह रहे हैं कि भैया मैंने नहीं करा था ये। जैसे ही उन्होंने देखा कि कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई है, देश एकजुट हो रहा है, वोटर्स को बुरा लग रहा है, तो वो इमीडिएटली बैक ट्रैक कर रहे हैं, कहते हैं भैया मेरी तो ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। मतलब ये वैसे ही बात हो गई जैसे अरविंद केजरीवाल जी जब उस समय जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बोल रहे थे भैया हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे, अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ। फिर उन्होंने बोला कांग्रेस को सपोर्ट कभी नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ। सो जिस तरह उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉन्स्टेंटली अपना स्टैंड चेंज करते रहते हैं, उसी तरह वहाँ के विधायक हैं वो भी अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत में ऐसी जगह जहाँ पर आज भी हिंदू जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि वो असर्टिव नहीं है। इस तरह के जो फ्रॉड पॉलिटिशियंस होते हैं इन लोगों की हिम्मत होती है इस तरह की बातें करने की कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जिनकी वजह से ये जो भारत भूमि है जो शुरुआत हुई, भारत एक देश है जो वो एकजुट है, उनके अगेंस्ट इनकी बोलने की हिम्मत होती है। सो ठीक है, जिस तरह से लोकसभा में
वोटर्स हैं उन्होंने इनको पार्ट दिखाया है, कांग्रेस को सिखाया पार्ट कि राम एक काल्पनिक हैं, ऐसा करके जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डाला था तो उसकी सज़ा अब कांग्रेस भुगत रही है। इसी तरह आई एम प्रीटी श्योर आम आदमी पार्टी को भी इसका जो रिजल्ट्स हैं वो अब वोटर्स ही उनको इसका जवाब देंगे फाइनली। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, ये एक्चुअली उन्होंने ट्वीट किया था या हैक हुआ था। अब ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो जानते हैं, हम जानते हैं और भगवान जानता है, शायद सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की उन्होंने चीज़ें करी हैं। इसके पहले भी उनके एक लीडर प्रशांत भूषण जी, जब यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब एंटी रोमियो स्क्वाड बनी थी जो एट टीजिंग को रोकने के लिए, तब भी उन्होंने एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रोमियो लव जस्ट वन लेडी वाइल कृष्णा वॉज अ लेजेंडरी ईव टीजर, वुड आदित्यनाथ हैव द गट्स टू कॉल हिज विजिलांते एंटी कृष्णा स्क्वाड। मतलब इन्होंने भगवान कृष्ण को ईव टीजर, मतलब लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले जो आवारा लफंगे लड़के होते हैं उनकी कैटेगरी में रखा था। तो आम आदमी पार्टी के मन में भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म खासतौर पे इनको लेकर कितना रिस्पेक्ट है या इनके ट्वीट से ही पता चल जाता है। अब बाकी जो कुछ है वो फैसला दिल्ली के वोटर्स को करना है। तो मैं बात अब यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव खरे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट कर हमें बताइए और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें सीरीज में। थैंक यू। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना